हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड सो गाइज, तो स्वागत है आपका हमारे त्रिकम भारती ब्लॉग में। और आज आपको हम एक ब्लॉग के साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन भी देने वाले हैं। सो गाइज, तो आज हम बात करेंगे कि हमारा जो वीडियो है वायरल क्यों नहीं हो रहा था। माय फर्स्ट ब्लॉग से लेकर अब तक की जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड किया है उस पर मतलब वायरल नहीं हो रहा था, ज़्यादा बहुत ही कम ही व्यूज आ रहे थे। सो गाइज, तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं वो ट्रिक कि क्या हम करें जैसा कि मतलब वीडियो वायरल हो, सर्च में जाए, ब्राउज फीचर में जाए और ट्रैफिक सोर्स लगे। सो गाइज, तो मतलब मेन रीज़न है टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन एंड अच्छी तरह से SEO करना आना चाहिए और CTR जिससे बढ़े क्लिक थ्रू रेट। और जितना ही वीडियो वायरल होगा और जितने व्यूज आएंगे उसके हिसाब से हमारे इंप्रेशन बढ़ेंगे। कि इंप्रेशन हम ये देख सकते हैं कि वीडियो हमारे कितने लोगों तक भेज सकता है यूट्यूब, और हम देख सकते हैं YT स्टूडियो में जाकर कितने लोगों तक हमारी वीडियो को भेजा है यूट्यूब ने। एंड सो गाइस, तो अच्छी तरह से SEO करना आना चाहिए और क्लिक थ्रू रेट, इंप्रेशन और क्या है इनकी ट्रिक, हैशटैग वगैरह, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ आना चाहिए वीडियो बनाने से पहले भी। मतलब अभी तो नए यूट्यूबरों के भी नहीं आता होगा, हम तो स्टार्ट करेंगे उनके बारे में पता होना चाहिए। सो गाइस, तो आज के बारे में ही बात करने वाले हैं कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन क्या होता है और ये क्यों लगाया जाता है। खास कर बात की जाए तो वीडियो को वायरल करने में उनका मेन रीज़न है हैशटैग। हैशटैग लगाना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो वीडियो ऐसे ही बनाता था और सीधे अपलोड कर देता था खाली टाइटल डाल के। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ खास लिखता ही नहीं था और टैग में भी मेरे को कुछ पता नहीं था टैग में लिखे क्या क्या ना लिखना, क्या लिखना होता है, क्या नहीं लिखना होता है और क्यों लिखते हैं, टैग क्यों लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते हैं। मेरे को लगा ऐसे ही होगा यार। सो गया तो मैं ऐसे ही वीडियो बना के अपलोड कर देता था टाइटल बिना टैग डिस्क्रिप्शन के, तो वीडियो कहाँ से वायरल हो गया जो मेन ट्रिक मैंने लगाया ही नहीं है। और गाइस, तो अभी मेरे को धीरे धीरे पता कर रहा हूँ, यूट्यूब पे सर्च करता रहता हूँ कि टाइटल डिस्क्रिप्शन कैसे लगाया जाता है और भी कई चीज़ें हैं, तो इसलिए मेरे को वीडियो वायरल नहीं हो रहा था। और सो गाइस, तो आज मैं बात करूँ ब्लॉगिंग की, तो मैं अभी ज़्यादा शेयर भी नहीं करता हूँ कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ या फिर कुछ करके, ना व्हाट्सएप पर किसी को शेयर किया, ना किसी फ्रेंड ने किसी को बताया नहीं मैं ब्लॉगिंग करता हूँ या नहीं करता हूँ, और किसी में शेयर भी नहीं करता हूँ कि आप मेरी वीडियो देखो या ना देखो। बस मैं वीडियो बना के अपलोड करता था, मेरे को पता भी नहीं था यार कि मतलब टाइटल में क्या डालना है, क्या डिस्क्रिप्शन, @ मेंशन करने का अब तो ऑप्शन आ रहा है 2022 में, टाइटल में ही @ मेंशन करने पा रहे हैं। आप किसी मतलब किसी दूसरे यूट्यूबर तक आप अपनी वीडियो भेजना चाहते हैं तो आप @ मेंशन करके कर सकते हैं टाइटल, जिससे कि वो आपको वीडियो को देख सकता है और आपकी वीडियो को देख सकता है, फुल वॉच कर सकता है और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है @ मेंशन वाला, जो टाइटल जब लिखते हैं तो उसमें ही आ जाता है @ मेंशन करने के लिए। मुझे ये भी नहीं पता था यार कि @ ये क्यों आ रहा है, पहले नहीं आता था, अब तो आ रहा है। सो गाइस, तो इस तरह की कुछ बातें हैं और इसमें बहुत ध्यान देने वाले बातें हैं यार, बहुत कुछ हैं इसमें भी सीखने को, क्योंकि अब खाली यूट्यूब से वीडियो बनाकर अपलोड करना से कुछ नहीं होता है, बाकी और कुछ आना चाहिए, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, CTR, SEO करना आना चाहिए, मेन चीज़ तो यूट्यूब का यही है। सो गाइस, तो ये सब सीखना पड़ेगा। और अभी तो मैं वीडियो सिर्फ बना के अपलोड कर दे रहा हूँ, बट अब मुझे पता हो गया कि क्या करना है, टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है और टैग में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। टैग में क्या लिखना है, ये लिखना है जो लोग सर्च करते हैं या अपने मन से जो सोच लो कि जो लोग क्या सर्च कर सकते हैं इस वीडियो के बारे में। और टाइटल में कुछ यूनिक होना चाहिए, ट्रेंडिंग होना चाहिए। और सो गाइस, और कब से मेन चीज़ तो है कॉपीराइट्स में बहुत बदलना चाहता हूँ। कॉपीराइट भी मेरे को नहीं पता था, कल तो मैंने एक वीडियो में कॉपीराइट आ ही गया था यार गाइस, बट कॉपीराइट से कोई दिक्कत नहीं, कॉपीराइट स्ट्राइक ना है। कॉपीराइट तो डिस्क्लेमर मतलब वो हो जाता है, जो रिवेन्यू मिलता है वो डिवाइड हो जाता है शायद, जो उसका ऑनर है, या फिर आपने किसी म्यूज़िक की एड कर लिया तो उसके म्यूज़िक का जो ऑनर है कॉपीराइट में जो रिवेन्यू होगा उस दोनों में बढ़ जाता है शायद, ऐसा कुछ करके है। सो गाइस, तो अभी मतलब कॉपीराइट वगैरह के बारे में उतना कुछ ज़्यादा पता नहीं है, मतलब अब पता कर रहा हूँ। सो गाइस, तो मैं ऐसे वीडियो बना के अपलोड कर रहा था, बट अब मेरे को पता हो गया टाइटल डिस्क्रिप्शन के बारे में। और सो गाइस, तो मेन चीज़ तो बात यह है कि मैं भी खासकर मैं भी मतलब मेरे क्षेत्र में कोई ऐसा मतलब यूट्यूबर वगैरह या फिर इसके बारे में किसी जानकारी भी नहीं है जिससे पूछ सकूँ, मैं जिससे जानकारियाँ ले सकूँ या फिर कोई चीज़ पूछ सकूँ, ये क्या होता है, ये कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। सो गाइस, तो इतना बड़ा मेरा गाँव, बट मेरे गाँव में भी एक यूट्यूबर भी नहीं है, मतलब यूट्यूबर नहीं क्या मतलब किसी मतलब इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है ना, कोई बता सकता है कि SEO कैसे करना है, टाइटल क्या डालना है, डिस्क्रिप्शन क्या डालना है और CTR क्या होता है, इंप्रेशन क्या होता है, कॉपीराइट क्लेम क्या होता है और भी एडिशन वगैरह, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में किसी पता नहीं है, बट पता ही करना होगा जब करना है तो इस
मैं सर्च करता रहता हूँ, यूट्यूब पे देखता रहता हूँ। काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो अच्छी जानकारी देते हैं, जैसे मनोज देव हो गए और टेक्निकल योगी वगैरह हो गए हैं। सो गाइस, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर थोड़ा बहुत हेल्पफुल भी लगा होगा। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और अपने भाई को सपोर्ट करना। सो गाइस, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, भाई को सपोर्ट करें। सो गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।